हमर क्लिनिक के भूमि पूजन पर पहुंचे शहर विधायक व महापौर बिना भूमि पूजन कर वापस लौट गए। इस मामले में केलाबाड़ी वार्ड में भाजपा कांग्रेस आमने सामने होकर जताया विरोध, साथ ही इस दौरान पार्षद और छाया पार्षद के बीच हुई धक्का मुक्की। दुर्ग केलाबाड़ी स्थित वार्ड 40 में शासन की योजना के अनुसार हमर क्लिनिक बनाने भूमि पूजन किया जाना था, वहीं स्थानीय और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी अनुमति के शासन के पैसों का दुरुपयोग होना बताकर होने जा रहे इस भूमि पूजन का विरोध जताया, जिसके चलते मामला गरमाया और कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। चार लोग जो आए वो भी भाजपा के हैं, यहाँ के नहीं है। भाजपा के घर के मार्गी में भैया, इस दौरान भूमि पूजन के लिए पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौके पर पहुंचे, जहां रास्ते में भाजपा के समर्थकों ने भूमि पूजन का विरोध जताया। वहीं बातचीत की गहमा गहमी में इतनी भीड़ होने लगी कि वार्ड 41 के कांग्रेस पार्षद हमीद खोखर और भाजपा के छाया पार्षद मतीन शेख के बीच धक्का मुक्की होने लगी, जिसे सभी ने मिलकर अलग कराया। इस दौरान केलाबाड़ी वार्ड में लगी भीड़ से जब शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल से चर्चा की और भाजपा समर्थकों की बातें सुन भूमि पूजन के कार्यक्रम को पोस्टपोन कर चले गए। गौरतलब है कि जिस वार्ड और जगह पर हमर क्लिनिक का भूमि पूजन किया जाना था, वहां विरोध करने वाले लोगों ने बताया कि इस कंडीशन दान की जगह पर पहले से ही स्कूल निर्मित है और न ही इन्होंने किसी विभाग से NOC ली है। साथ ही कहा कि इस वार्ड की पार्षद नजहत परवीन है, न कि हमीद खोखर। ये केलाबाड़ी स्कूल परिसर है और यहाँ हमर क्लिनिक बनाया जा रहा है वार्ड नंबर 41 के द्वारा, जबकि ये वार्ड नंबर 40 का एरिया है और इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 40 का पार्षद भी नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये स्कूल परिसर है, आप अगर बना रहे हो तो मोहल्ले वाले का परमिशन लीजिए, इसमें कोई परमिशन नहीं लिया गया है, जिससे ये मोहल्ले वाले विरोध, ये क्लिनिक का विरोध नहीं किए, उन्होंने ये है कि इस जगह में मत बनाइए, यहाँ पार्किंग की सुविधा भी नहीं है और ये स्कूल जर्जर हो चुका है। अगर आपको स्कूल बनाना है तो आप आत्मानंद स्कूल बना दीजिए, इंग्लिश स्कूल बना दीजिए, ताकि बच्चे लोग का उद्धार हो जाए, बच्चे लोग यहाँ से पढ़ के अच्छे निकले। क्लिनिक तो आज यहाँ बहुत सारे है और आदमी यहाँ सक्षम है अपने मतलब इलाज करवाने के लिए, तो आप थोड़ा सा जगह को और कहीं बनाइए। और ऑलरेडी सिविल लाइन में वार्ड नंबर 40 में ये क्लिनिक बन चुका है और इन्हीं की योजना है कि हर वार्ड में एक क्लिनिक बनेगा, तो इस मोहल्ले में फिर दो क्लिनिक क्यों बना? उसी का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। अच्छा, विरोध भी नहीं, हम सिर्फ ज्ञापन देने आए थे विधायक महोदय को, लेकिन वार्ड नंबर 41 के जो पार्षद है, यहाँ के मोहल्ले वाले को और मैं खुद छाया पार्षद हूँ वार्ड नंबर 41 का BJP से, उन्होंने धक्का मुक्की चालू किए और मेरी को ये गाड़ी में भी गिराए उन्होंने, और पूरे उनके जो थे सपोर्टर वो मेरे ऊपर झूम गए थे। राजेश भाई भी है जो यहीं ये बाल मंदिर के बाजू में रहते हैं, उनके इसमें भी थे, और हमारे मंडल के अध्यक्ष जो है सुनील साहू जी, उनके वो भी उनको उन्होंने धक्का मुक्की दिए है और मेरी चप्पल अप्पल सब उन्होंने तोड़ दिए हैं, मेरे को गिरा दिए थे। फिर उन्होंने विधायक महोदय ने ये किया कि हम यहाँ पे भूमि पूजन नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत करके गए हैं, आश्वासन दे के गए हैं कि हम यहाँ विचार करेंगे, बाद में आपको लोगों को बताया जाएगा। इस तरह एक प्रकार से प्रशासनिक आतंकवाद ही बोल सकते हैं कि बिना किसी यहाँ अधिकारियों में जो यहाँ के नेता है, ज़बरदस्ती जिस तरीके से ये बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग है, दान की ज़मीन पर बनी है, यहाँ खेलने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं है, खेल के लिए जगह नहीं है, और यहाँ पर अरुण बोरा द्वारा एक मोहल्ला क्लिनिक बनवाने का यहाँ पे घोषणा किया है कि यहाँ चालू करने के लिए आ रहे हैं, हमें जानकारी हुई है, हम इसका विरोध करते हैं।
ना यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी से कोई परमिशन है, ना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से परमिशन है, ना शाला विकास समिति से परमिशन है, ना मोहल्ले वाले से कोई किसी प्रकार का एनओसी लिया गया है, किसी प्रकार का ऐसे बात किया गया है। ये ऐसा मैंने बोलना चाहिए दबाव और जो पावर का दुरुपयोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पार्किंग की जगह है। कोई पेशेंट आएगा इन्फेक्शियस डिजीज से अगर रहेगा तो ये बच्चे पहले पीड़ित होंगे, ये मोहल्ले वाले पहले पीड़ित होंगे। और यहाँ से बहुत पास में अस्पताल, जरूरत है यहाँ पर को, मेरे को तो लगता है जरूरत इतनी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो पोटिया स्लम एरिया जो बस्ती है ना, हमारे बोरसी का एरिया है, बोरसी भाटा का एरिया है, और यहाँ से लगे हुए जो इधर पीछे कुंद्रा पारा का एरिया वहाँ लगाइए। हमें किसी है यहाँ 40 नंबर का जो पार्षद है वो खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले तो इनका NOC चाहिए। ये सब ऐसे ही मैंने जबरदस्ती का ये कार्यक्रम चल रहा है, सिर्फ दबाव के कार्यक्रम चल रहा है। योजनाओं का कोई भी नागरिक विरोध नहीं करना चाहता और ना करेगा कभी। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे इस वार्ड के वासियों ने कभी ऐसे शासन की योजनाओं का विरोध किया है। लेकिन आप देखोगे कि जिस चीज़ का विरोध इस मोहल्ले के वासियों ने किया है, एक्चुअल में ये जो ज़मीन है इसको कुर्रे त्रिलोचन जी कुर्रे ने इसको दान में दिया था, और कंडीशनल दान में दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें एक छोटा सा बालवाड़ी और बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड इस मोहल्ले वासियों को उन्होंने सौगात दिया। ये पूरा ज़मीन उसी का था। उन्होंने जब इसको बेचा तो उन्होंने कहा कि मैं सब लोगों के लिए एक गार्डन दूंगा तो आपके बच्चे यहाँ खेलेंगे, उस उद्देश्य से दिया गया था। तो यहाँ सब लोग बसे थे और प्रेम भाव से सब रहते भी हैं और शुरू से रहते हुए आ रहे हैं। हाँ, विधायक जी से हमने बताया कि ये ज़मीन ऑलरेडी दिया गया है कि दान के लिए, और स्कूल परमिशन आप ठीक है स्कूल बना दिए, स्कूल का कोई विरोध नहीं। स्कूल की आप स्थिति को देखेंगे, आप वीडियो ले लीजिए, पूरा जर्जर स्थिति है। कभी भी सज्जा गिर जाए, बच्चे के ऊपर गिर जाए, कल के रोज कौन होगा उसके लिए? अगर विधायक जी बोले मैं जिम्मेदार होंगे तो कोई बात नहीं, पूरा स्कूल जर्जर की स्थिति में है। तो हमारा यही विरोध था कि अगर स्कूल परिसर में आप देखेंगे, अभी कोरोना का महामारी आया था, एक घर में कोरोना होता तो 50 घर को बैन कर दिया जाता था, और यहाँ पर अगर क्लिनिक हॉस्पिटल बना दिया जाएगा और कोई डिजीज़ आएगा तो हम आस पड़ोस के लोग सब लोग पीड़ित हो जाएंगे, और छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप भी पीड़ित होंगे, उनके जरिए उनके घरों में फैलेगा। हमारा यही विरोध है। इस दौरान हो रहे विरोध पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कार्यक्रम को पोस्टपोन कर सभी मौजूद लोगों को समझाया और सभी जरूरी दस्तावेजों की कार्रवाई होने के बाद ही भूमि पूजन किए जाने की बातें कहीं, जिससे नाराज पार्षद हमीद खोखर के समर्थकों ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जताई। देखिए, विगत 20 वर्षों तक तो बीजेपी सरकार थी, उन्होंने ऐसा कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। आज जब हमारी भूपेश सरकार आई है और माननीय विधायक महोदय के द्वारा जगह जगह हर वार्डों में दाई दीदी क्लिनिक, इस तरह के क्लिनिक खुलवाए जा रहे हैं, तो इन लोगों के छाती पर सांप लौट रहे हैं। इन लोगों को विरोध करना, इन लोगों के बिल्कुल आदत ही हो गई है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए विरोध करना है। मैं नहीं मानती, क्योंकि 4 लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार माननीय विधायक महोदय जी, महापौर जी के माध्यम से जो अच्छे कार्य दुर्ग शहर में हो रहे हैं, तो इन लोगों को गले के नीचे नहीं उतर रहा है। तो इन लोगों ने सोच लिया कि विरोध करेंगे तो अपने आप जनता भी इनके विरोध में हो जाएगी। जनता को ये मालूम है कि ये सुविधाएँ उनके छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए है, क्योंकि यदि डॉक्टर्स और नर्सेज यहाँ बैठेंगे तो छोटा मोटा इलाज जो यहाँ पे होगा, बाकी बड़े इलाज तो बड़े अस्पतालों में ही होता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि अर्बन एरिया में हर वार्डों में इस तरह के क्लिनिक खोल दिए जाएँ, जिससे छोटे मोटे जो उपचार हैं यहाँ के माध्यम, नहीं विधायक बिना भूमि पूजन के इसलिए गए हैं कि उन्होंने बोला अब हम जो करेंगे तो सिस्टमेटिक काम से करेंगे, क्योंकि कोई भी काम होना चाहिए सिस्टम से होना चाहिए। जो है हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण वोरा जी, महापौर धीरज बाकलीवाल जी के तत्वधान में हमर क्लिनिक का भूमि पूजन होना था, जिसके लिए कल टाइम दिए थे आज का। लगभग 300-400 परिवार के लोग वार्ड के इकट्ठा हुए थे, जिसमें 40 नंबर वार्ड के पार्षद भी, पूरे नागरिकगण आए थे। लगभग 1-1.5 घंटा बैठे रहे। और ये जो हमर क्लिनिक है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की महती योजना है कि गरीब आम जन को उसका लाभ मिले, उनको फ्री में इलाज मिले, फ्री में गोली दवाई मिले। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, किसी को फास्ट ट्रैक हो जाता है, कोई गिर जाता है, उसको तत्काल उनको इलाज मिल जाए, एक अच्छी योजना थी। लगभग भी 25 साल से ये जो भवन पड़ा है खाली है, इस पर बनाना था, इसमें भूमि पूजन करना था। ये 4-5 भाजपा के लोग तो चाहते भी नहीं कि अच्छी योजनाएँ उसको चालू हो। ये लोग आके जो है विरोध दर्ज किए, इसके नाम से वो वापस चले गए, बोले मैं 2-4 दिन बाद आके इसका भूमि पूजन करूंगा। मेरी बात सुनिए, इसकी जानकारी माननीय कलेक्टर महोदय जी को पहले ही हमने एंट्री करा दिया। आज से 4 महीने पहले मीटिंग हुई थी कलेक्टर मैडम महोदय जी के पास, तो हम लोगों ने इस जगह का उन्हें नोट करा लिया था कि हमर क्लिनिक हमको बनाना है, जिसमें 40 नंबर वार्ड, 41 नंबर वार्ड, 42 नंबर वार्ड, जो श्रमिक बस्ती है आसपास बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में, इनको इसका लाभ मिलेगा। आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिन भर में 200-300 रुपया गरीब आदमी कमाता है, उसके घर में अगर कोई बच्चा या उसके माता पिता अगर बुजुर्ग अगर बीमार हो जाता है तो पूरा पैसा निकल जाता है।
क्या लगता है इस विरोध में भाजपा नहीं सिर्फ बीच पे देखो कांग्रेस के और वार्ड के लोग हमारे साथ है, कांग्रेसी भी हमारे साथ है और पूरा वार्ड नंबर 40 सब हमारे साथ है। ये चंद लोग 5-6 लोग भाजपा के लोग आए, इन लोगों को क्या है ना हमारी कांग्रेस की अच्छी नीति और अच्छे कार्य को ना इनको हजम नहीं हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, शहर पूरा, मैं MIC परिवार हूँ, हमीद कोकर मेरा नाम है, पूरा शहर हमारा है, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ और ये पूरा शहर हमारा है। और जन कल्याणकारी योजना में जैसे सब लोग आए और MIC प्रभारी आया, पार्षद आया, वैसे मैं भी आया हूँ। एक अच्छी योजना है और अच्छी योजना के लिए चालू कराने के लिए हम हर आखिरी तक जाएंगे। हम माननीय कलेक्टर महोदय जी से कल विधायक जी के द्वारा हम लोग को मिलना है, उनसे विधिवत NSU अगर जैसा बोल रहे हैं हम अगर नहीं हुए तो हम ले लेंगे और उसके बाद काम को चालू कराएंगे, बनेगा क्लिनिक यहीं, लोगों को लाभ भी इसका मिलेगा जी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।